हेलो, कोई है? है? नहीं ना। जाके सॉरी माफी मांगती हूँ और सबको ईद मुबारक अभी कर रही हूँ। और कल रामनवमी थी तो आप सबको रामनवमी जो बीत रही है, ईद भी हमारी बीत रही है। अभी कहीं जाके मुझे टाइम मिला है तो इसीलिए मैं आज थोड़ा लाइव आई है ना। हाँ, क्योंकि आज मैंने कुछ ब्लॉग भी नहीं बनाई, कोई कुकिंग घर के लिए करी हूँ बट शूट नहीं करी कोई, तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा आज लाइव करते। क्या हाल चाल, कैसे? और मस्त, कल मैं आई अजमेर से, आई तो अजमेर से मस्त, लेकिन आने के बाद मेरी मस्त खत्म हो गया क्योंकि घर में आते ही इतने कपड़े बेडरूम में, उसको घड़ी करने में, उसको स्त्री के लिए देने में इतना वक्त गया है मेरा। शुक्रिया, जजाक अल्लाह जिसने भी मुझे इतने प्यार से इतने सारे हार्ड भेजे। और उसके बाद आज 3 राउंड कपड़े धोई, घर पूरा क्लीन करी, थोड़ी सी कुकिंग करी, फिर आज मेरा था तो चिराग रोशन करी और बहुत सारी नमाजें थी वो पढ़ी, असर पढ़ी। उसके बाद में हाँ, आज से मैंने एक चीज़ अपनी लाइफ में शुरू करी, मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ ज़्यादा, बहुत रेयर पीती हूँ। जब ये मुझे बहुत जिद करता है कौन सा, वो स्टारबक्स में कल पौला के साथ मेरे को कॉफ़ी पी के इतनी मज़ा आई तो मैंने शुरू कर दी। आज शाम को एक टाइम कॉफ़ी, सुबह एक टाइम चाय। और मेरे कल कॉफ़ी का डिसीजन लिया मैंने तो मेरे को अंकित जो मेरा ज्वेलर से स्टारबक्स का इतना बड़ा कप मुझे गिफ्ट भेजा है, उनको मैं दिखाती हूँ, अमीन दिखाएगा आपको लाके, है ना। उसी में मैंने आज कॉफ़ी स्टार्ट करी ना, स्टारबक्स की कॉफ़ी मुझे बिल्कुल अच्छी लगी, ज़रा भी नहीं अच्छी लगी। क्या हालचाल, चलो यार आज आप मैं थोड़ा सा हल्का सा मेकअप करी हूँ बिकॉज मैंने आज वो कौन सा रील बनाई, वो हंस के जीवा नहीं नहीं गुलाबी साड़ी वाली, लाली 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 भारी दिसते फोटो मजा कार्ड। बहुत दिन हो गया था, रमजाने थी अब मेरे चाहने वाले आएंगे फिर उसके साथ कमेंट लिखेंगे तो भाई मुझे घंटा भी नहीं फर्क पड़ता, मैं मेरी जिंदगी अपने हिसाब से जीती हूँ, अपनी खुशियों के साथ जीती हूँ। और सबसे ज्यादा मेरी जिंदगी में वैल्यू रखते हैं मेरे 2 बच्चे जो हर पल मेरे साथ रहते हैं, तो मैं उनकी सोच को अपनी ज़िंदगी बनाती हूँ और मेरे पसंद को मेरे बच्चे अपनी ज़िंदगी बनाते हैं, अंडरस्टैंड। तो कुछ इधर फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम कुछ लिखोगे या बोलोगे या मेरे वीडियो को या मेरी इमेज को ख़राब करने की जो इतने साल से कोशिश कर रहे हैं, तो घंटा भी इधर फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके चलो, अभी बोलना है बोलो, बकना है बको। हेटर्स और मेरे जो मोहब्बत करने वाले आप लोग, तो यार देखा ना कल के व्लॉग में भी, चलती हुई रिक्शा में वो लड़की इतना प्यार करके, और उनका खुद का मंदिर था वो बच्ची, मैंने उसने ना चंदन लगाई थी इधर, तो मैंने बोला बेटा कि ये बीच रावण चल रहे उसका है क्या, तो बोले नहीं आंटी हम लोगों की मंदिर है, आप चलो ना आंटी, मुझे बोला। तो मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगी, बोले अभी तो बंद हो गई बट मैं नॉनवेज खाती नहीं हूँ पर आपके वीडियो इतने अच्छे लगते हैं आंटी, ऐसे इतना बोसा किया उसने मुझे, इतना प्यार किया, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, I am die-hard fan of your fashion sense. Thank you so much कि आपको मेरा fashion sense अच्छा लगता है. Thank you so much. You look so young and beautiful face at this age. Really? Thank you.
मैं भी आपकी रेसिपीज बहुत देखती हूँ। देखते हो इंशाल्लाह। थैंक यू, जजाकल्ला। क्योंकि जब एक टाइम था ना, मैं बहुत ज़्यादा जब मैं टेंशन को ले टेंशन से गुजर रही थी ना, जब मेरे घर की जब हालात बहुत उलट पुलट हो गए थे, तो उस टाइम आप ही जैसे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि किचन के रेसिपी आप चालू करो, तो इसीलिए मैंने अपना किचन का चैनल चालू करी थी स्पेशली। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जो रेसिपी बनाती हूँ तो उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे किचन चैनल पे आप लोगों को दिया करूँ, सोच रही हूँ। तो इंशाल्लाह करेंगे, अगर सोची हूँ तो कुछ। क्या बोलते हो भाई? करेंगे करेंगे इंशाल्लाह। और मैं आपको बताऊँ, अमीन तो फुल डाइट करता है, अमीन बाखुदा कुछ छूता भी नहीं है। मेरे बहुत इंसिस्ट करने से मेरे हाथ से वो एक थोड़ा सा चख लेता है। और अली बेचारा है जो अकेला खाता है, और आप लोगों को पता है अयूब तो यहाँ रहते ही नहीं है, और रह भी कभी रहे तो खाएंगे, नहीं तो रहते ही नहीं है, तो उनका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और मैं बहुत सारी बातें हैं जो बंद मुट्ठी रखती हूँ, मैं नहीं अच्छा लगता है मेरी घर की बातें मैं किसी के साथ करूँ, तो इसीलिए समझने वाले जो समझ सकते हैं वो उनकी समझ रहती है। तो इसीलिए मैं बहुत बार ऐसा होता है कि कुकिंग बड़े शौक से करती हूँ और मेरे जान पहचान वालों को देती हूँ, कि वो लोग जो खाते हैं ना, तो फिर मुझे उनको देख के भी बड़ा मज़ा आता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कल भी ऐसे ही होने वाला है। कल मैं कुछ बहुत अच्छी रेसिपी सोची एकदम, और जो मेरे बचपन में मैं वो खाया करती थी, हमारे एक अंकल थे, भैया थे, तो उनको संडे को छुट्टी रहती थी, और वो अपनी फैमिली उनकी रहती थी गाँव में, वो यहाँ रहते थे, तो संडे को मेरी ड्यूटी, उनके साथ मटन खाने का शौक ना, तो मैं उनको सिल बत्ते में मसाला पीस के देती थी ताकि मुझे मटन उनके हाथ का खाने को मिले। ये मेरे बचपन की यादें हैं। तो आज मुझे किसी ने वो चीज़ लाकर सामने पेश की, लेकिन मैंने आज से थोड़ी डाइट चालू करी तो मैंने खाई नहीं, लेकिन 100% वो रेसिपी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ बनाकर शेयर करूँगी और किसी और को खिलाऊँगी, और उनके चेहरे की खुशी देख के अच्छा लगेगा कि हाँ चलो मेरी रेसिपी बड़े शौक से खा ले। हाँ वो भी एक अलग मज़ा होता है यार, वो भी अलग खुशी होती है। क्या लिख रहे? अभी तो लोग लिख रहे कुछ, कुछ तो आप हमारे मैसेज का रिप्लाई दो। तुम ड्रेस बहुत अच्छे पहनते हो। मैं भी नॉनवेज नहीं खाती बट आपके सब वीडियो देखती हूँ। लव यू। आप बहुत जिंदा दिल इंसान हो। ये तो है, इसीलिए ने बहुत सारे लोगों ने अपना बन के बजाया मेरी। कहाँ पे होते हैं पता, आदमी जब दिल से जहाँ पे अटक जाता है ना, और दिल से जहाँ इमोशन में घुस जाता है ना, आदमी धोखा वहीं खाता है। ये मैंने देखा है। कॉन्शियस रह के जब आप बिजनेस करते हो तो कितने एकदम स्ट्रांग रहते हो ना, और जहाँ आप कहीं दिल की बातों में अटक गए, आपका लॉस वहीं पे स्टार्ट हो जाता है। God bless you. Thank you. God bless you. अयूब कहाँ है? अयूब सूरत कहाँ रहेगा? वो सूरत ही रहेगा ना। जब मेरे पास रहता था तो काफी लोग यही बोलते थे कि उसकी औरत से छुड़ा के अपने पास रख ले। अब वो सूरत रहता तो क्यों नहीं बोलते हो कि इनको छोड़ के अपनी औरत के पास रहता है? अबे यार बात दोनों तरफ करने का, जैसा मैं करती हूँ। आपने बहुत, आपसे बहुत कुछ सीखने मिला है मुझे। क्या सीखे आप लोगों ने मेरे से? मैं आपको बोलूं, कोई भी सिचुएशन, कोई भी हाल में हूं मैं, लेकिन ये मैं दावे के साथ बोलती हूँ कि थोड़ा देर के लिए इंसान टूटता है, मेरे जैसा बहुत सारे लोगों के जो टूट जाते हैं, लेकिन मैं फिर खड़ी होती हूँ और हिम्मत से उस चीज़ का सामना करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। और मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के और मेरे दो बच्चों के। क्या है? बहुत सारे। आप लाइव आया कीजिए, क्योंकि बस यही जरिया है आपसे हमें हमारी बात करने का। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं आपको भी अच्छी नहीं लगती हूँ, इसीलिए मैंने बहुत सारे रील्स बनाना कम कर दिए, वीडियोस अपना, क्योंकि मैं इसमें
अपना कीमती वक्त भी देती थी और अपनी खुशियाँ भी इसमें, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी खुशियाँ भी है इसके अंदर। क्या मस्त लग रही ना रिंग, थोड़ी सी मैंने इसको इम्प्रूव करी ऑनेस्टली। ये सीखने मिला है कि खुद को कभी किसी से कम नहीं समझा, हम बेस्ट हैं सबसे, बस ये याद रखें। हाँ, जब आप अपने आप को सेलिब्रिटी समझोगे ना तो अल्लाह कहीं ना कहीं वो चीज में आपको खड़ा करता है। और आप यकीन करोगे, मैं बहुत गरीब घर से थी लेकिन कपड़े पहनने का शौक, अच्छे से रहने का शौक, और शादी ब्याह में सब जो मेरे जानने वाले जानते हैं कि मैं हमेशा लेट ही जाती थी बिकॉज सेलिब्रिटी लोगों की स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन अल्लाह ने भले थोड़े लिए, थोड़े टाइम के लिए बनाए या फिर अभी मैं सेलिब्रिटी हूँ, अल्लाह बेहतर जानते हैं, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि मैं वैसे ही जिंदगी पहले भी जीती थी, अभी भी जीती हूँ, तो बना दिए ना अल्लाह ने सेलिब्रिटी। Hi sister, how are you? Do you remember we met in Thailand और फोटो खींचे थे? I am in Melbourne, came to meet my daughter. God bless you and your family. Thank you so much. और मुझे याद नहीं है क्या? नहीं, मुझे बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, तो I'm very sorry. But मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने पुरानी memories को याद करके मुझे लिखा. Thank you. आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, please बनाया करें. हाँ सच में बनाती हूँ, और देखो ना कितनी मोटी हो गई हूँ रमजानों में बना बना के खा खा के। आपने कुकिंग किससे सीखा है? मेरी मम्मी से और मेरी नानी से। आपकी जगह कोई और होता तो डिप्रेशन में चला जाता? ये हकीकत है, और आपको पता नहीं है कि अभी भी बहुत सारे रहता है, लेकिन गेट लॉस्ट हर चीजों को, अल्लाह हमारे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। आपको देखकर हमें खुशी होती है और खुशी के साथ साथ प्राउड भी होता है। थैंक यू सो मच, मुझे देख के अगर आपको प्राउड होता है तो आई एम वेरी अप्रिशिएट कि आप ऐसा सोचते हो मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। आपके बेटे की शादी करूँ? एक मिनट, बड़े बेटे की पूछ रहे हैं। पूछो पूछो, ये मेरा लाल का लड्डू, पूछो ना। बड़े बेटे की नहीं, बड़ा ये हाइट में बड़ा ये। ओ मेरा बच्चा जिम कर कर के थक गया है मेरा बच्चा, लेकिन मेरा बेटा मुझे रोज मेरे इतने पैर दुखते हैं, ये अल्लाह जानता है कि मैं क्या सच बोल रही क्या झूठ बोल रही, मेरा बच्चा मेरा पैर दबाए बिना सोने नहीं देता। अल्लाह इसको बहुत 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 तरक्की देगा इसकी, मेरी बहुत दुआ है मेरे दोनों बच्चों के ऊपर। हेलो सायरा दीदी, आप बहुत दिल खुलास लेडी हो, आपके दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं। थैंक यू। ओह माय गॉड, जिम के लिए थोड़ी। ओह माय गॉड, मेरे बेटे ने आज मेरी तारीफ की। मैं रील बनाने के लिए थोड़ा सा हल्का मेकअप कर दूं, मतलब बहुत अच्छे लग रहे हो मेकअप। वो फोटो जो अपन ने इसमें ऐड किए कितने अच्छे लग रहे हैं। हां मैं रील बनाने के लिए आज कितना तैयार हुई, क्योंकि आज कल आई जब से काम इतना था, दिन भर काम करी, मेरा बेटा आया अपने काम से, कहता चलो चलो थोड़ा रील बनाओ, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा आपका। ऐसे होना चाहिए बच्चे, कि आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है और आप बहुत ज़्यादा बिजी हो नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे बच्चे हो या घर वाले, ऐसे होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, आपकी हर चीज़ को लेकर सपोर्ट करना चाहिए। और आप भी, अगर मैं मेरे बच्चों को सपोर्ट करती हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ अगर उस तरीके से बिहेव करता है, 100% हमें भी वैसे ही करना चाहिए। चलो आज लाइव बैठे हैं तो थोड़ा लिखो कि मैं क्या रेसिपी बनाऊँ, कल चिकन बनाऊँ मटन बनाऊँ, क्योंकि ना तो घर में चिकन है ना तो मटन, तो वो सब लेने मुझे अभी जाना है। इसीलिए मैं थोड़ा शाम को जब चिराग रोशन की, तो इसीलिए कॉटन की ड्रेस डाली, तो फिर लाइव का दिल हुआ तो मैंने बोला कि चलो लाइव करते, तो अब करने के बाद जाऊँगी बाजार, कि मेरे बेटे को वेजिटेबल काफ़ी सारे लगते हैं डाइट के लिए और चिकन वगैरह भी लगते हैं, तो बताओ मटन बनाओ कि चिकन बनाओ। कल हंगामा हो गया, हंगामा हंगामा हो गया।
तुमने अब आंखें जो मिलाई तो हंगामा हो गया हंगामा। मैं आपको 3 साल से देख रही हूँ, आप बिल्कुल भी बदले नहीं हो। इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ मैं कभी नहीं बदलू। आप बहुत अच्छे हो, आपका नाम लेके गलत गलत वो भी कितने जन अपना किस्मत बना ली है। क्या पता अल्लाह ने इसीलिए मुझे चुना, क्या पता मेरे गुनाह कम कर रहे अल्लाह पाक। ओ मैंने मटन नहीं चिकन, एक मटन एक चिकन एक हैदराबादी बिरयानी और फिर कोई भी वेज साउथ से आइटम, कोई भी वेज आइटम जो ज्यादा आएगा मटन या चिकन, ओनली मटन एंड चिकन दोनों में से। चिकन के तीन हो गए, मटन एक है। एक दिन मेरे बेटे के साथ जाने वाले हूँ पार्टी में, पार्टी शार्टी। मटन दो चिकन चार। मेरा मन तो कल फ्राइडे ना मटन का यार, मेरे साइड में तो कोई करो। चिकन 5 मटन 2 चिकन 6 चिकन 7। आपकी जो मिलाई तो हंगामा हो गया। चिकन हो गए 7 चिकन हो गए 8 चिकन मटन 3 मटन 4। मैं सोची थी मेरे जो अंकल की रेसिपी थी ना जो मैं वो सिलबत्ते पे मसाला पीस के दे दी थी उनको, तो मैं सोच रही थी कि कल मैं वो रेसिपी बनाऊं। मटन 6 7 8 चिकन और 7 मटन है अभी तक। एक और मटन आया 8 8 हो गए। मेरे को कितना प्यार करते थे लोग, मेरी पसंद को भी अपना पसंद मानते। 8 8 है बन अभी तक। आ जाएगा नई डोसा लिखाएगी सर। क्या लिखा है? नई डोसा। नई डोसा वो बनाने वाले चिकन का, चिकन रस्से के साथ। ओके मटन। थैंक यू। और मैं खाउसे भी बनाने वाली हूँ, सूरत के स्पेशल खाउसे। वो चिकन है पनीर मटन। मटन 9 हो गए, मटन जीत गया। मटन मटन जीत गया। अब मटन बनाओ, बहुत लोग मटन मिलती है। बी हैप्पी ऑलवेज। यस क्या करेंगे टेंशन लेके यार, टेंशन आ ही जाता है, आप लो या मत लो वो आ ही जाता है आपके पास। प्लीज वो रस्सा और नीड उसका दिखाना, मैं वेट करूंगी 100%। मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। दाल गोश्त भी रहेगी इसमें। दाल गोश्त बनाओ क्या कल? रमजान की रेसिपी बहुत अच्छी थी। क्योंकि चुरा दो, इतने लोगों ने तारीफ किया बिरयानी की तारीफ। अच्छा आपने किसी ने जमजम बिरयानी बनाई थी कि नहीं? क्योंकि जमजम पुलाव सब जगह देखा होगा आपने, पर जमजम बिरयानी आपने बनाई थी कि नहीं? मैम लव फ्रॉम सूरत। सूरत पे तो हमारा दिल अटका था, तो सूरत वालों को हमेशा हम प्यार करते हैं। यस दाल गोश बनाओ। दाल गोश हाँ, और कल दाल गोश्त, चलो मस्त दाल गोश्त बनाते हैं। और मेरी अम्मी और मेरे डैडी के और मेरे जितने भी घर वालों के नाम पे हम खिलाएंगे दूसरों को पक्का। आप मटन ही लेके आओगे आज जाके। मेरे अली को भी बहुत पसंद है दाल गोश्त। हाँ बिल्कुल आप सही बोले हैं, टेंशन लेकर ज़्यादा होता है और अगर और शुगर बढ़ता है। हाँ यार मेरा अच्छा हुआ टेस्ट में कुछ नहीं आया, लेकिन बॉर्डर लाइन पे शुगर आई है। हाँ टेंशन ज्यादा लेते तो शुगर बढ़ता है, आप भी मत लो। ना करे हम लोग खुद अपने टेंशन अपने अपने आप अपने पास लेते। अच्छा ये बताओ मेरे, आजकल मैं ये इसके कर्ल्स बनाती हूँ तो अच्छे लगते क्या बाल? मुझे तो आजकल बहुत ज्यादा अच्छे लगते। मेरे बेटा मतलब इतना ठीक नहीं लगता, पर आपको अच्छा लगता है ना तो ओके, क्योंकि वो एक ही है जिसको मैं पूछते रहती हूँ कैसे लग रहा कैसे लग रहा कैसे लग रहा। और सेम मेरे जैसा हाल पौला का भी, ये 2 दिन में उनके साथ वक्त बिता के पता चला कि वो भी अपने बच्चे के साथ इतना ज्यादा अटैच है। 2 दिन में उन्होंने कितने सारे फोटोज दिखाए उनके बेटे के, मुझे मेमोरीज बताई कि हम लोग यहाँ गए थे तो सायरा ऐसा वो बोलता था ऐसा करता था, जब मैं टेंशन में रहती तो मुझे ये सिखाता है मुझे, तो मुझे ना इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसे माँ बेटे की बॉन्डिंग होनी चाहिए।
होनी चाहिए। जैसे मैं सोचती थी मेरी कुछ ज्यादा बच्चों के साथ है, लेकिन जब मैं बाहर निकली हूँ और ऐसे मिलूँ ना, तो पता चले कि नहीं, हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ अपनी खुशियाँ ढूंढते और मिलती हैं। तो इंशाल्लाह आप भी, मैं तो हमेशा बोलती हूँ भाई, अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाओ, बाकी सबकी जरूरत ही नहीं है। क्या होता है, चलो अब जा रही हूँ मटन लाने और कल रेसिपी डालूंगी। हो सकेगा तो मेरे किचन के चैनल पे छोटा सा एक इंफॉर्मेशन वीडियो डालूंगी, तो देखना। और रेसिपी को तो लाइक करना ही करना, किचन चैनल को भी यार थोड़ा बढ़ा दो, वहाँ भी एक सिल्वर बटन मिल जाए, मुझे मज़ा आ जाए। तड़कता भड़कता दो सिल्वर बटन एक गोल्ड, मज़ा आ जाए ना फोटो ऐसा खींचने के लिए। क्या बोलते हो, करोगे? चलो आपकी जो दिल करे वो करना, लेकिन करना ज़रूर यार। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़। अब जा रही हूँ मैं मटन एंड चिकन एंड वेजिटेबल लाने के लिए।